दोस्तों, हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड की भर्ती है ग्रुप सी पोस्ट की। वैसे इस टाइप की वीडियो मैं कम बनाता हूँ क्योंकि ये एक प्रकार से डिफेंस सिविलियन की भर्ती है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आए कि सर ये परमानेंट जॉब है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। तो आपको बताने वाला हूँ कि हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड यानी कि जो कि पुणे में है, और आप लोगों को कमांड से मतलब ये होता है कि जैसे हमारे इंडियन आर्मी को पूरे एक जोन में बांटा जाता है कि ईस्टर्न कमांड यानी कि ईस्टर्न कमांड के अंदर में कौन सा आता है, कलकत्ता, नॉर्थ ईस्ट पूरा, वैसे अगर साउदर्न कमांड पुणे, उसके अंदर में पूरा साउथ का एरिया जाता है। उसी प्रकार नॉर्दर्न कमांड की बात करें तो उसके उसमें पूरा जेंडगे, आपका उधमपुर, ये सब चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं बात बताने की, लेकिन आज बात करने वाले हैं हम वैकेंसी की। सबसे पहले बता दूं कि ये एक परमानेंट जॉब है, इसमें ये नहीं कि अग्निवीर की तरह आप 4 साल में घर चले जाएंगे, इसमें परमानेंट जॉब है। दूसरा, आप लोगों का सवाल आता है कि सर क्या इसमें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपका बताना चाहूँगा कि सर्विस पूरी होने के बाद में आपको NPS पेंशन मिलेगी। ठीक है, और आपका तीसरा, अगर आप बात करें सर इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है, तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेके 25 साल जनरल की, और OBC की बात करें तो उनके लिए 28 साल तक, और ST SC की बात करें तो उनके लिए 30 साल तक की एज का क्राइटेरिया है। सैलरी की बात करें तो उसमें जो कुक की जो सैलरी है वो आती है आपकी 19,900 रुपये बेसिक पे है। अगर मोटा मोटा अगर आपको एक सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपको 19,900 अगर उसकी बेसिक पे है, तो वर्तमान में 42% जो है हमारा DA चल रहा है, जो कि 19,900 का DA बनता है आपका, 19,900 का 42% DA बनता है आपका 8,358, और अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो आपकी सैलरी बनती है 28,258 रुपये। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, इसमें और भी अलाउंसेस आपके होते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी बहुत कम है। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी वैसे भी बहुत कम आती है, लेकिन अगर आप लोग पुणे या आप लोग नासिक या आप लोग कामटी क्षेत्र के हैं तो ज़रूर भरें। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भर सक ऑल इंडिया वाले सकते हैं, ऑल इंडिया मेल या फीमेल दोनों ही भर सकती है। इसमें जीरो फी है, यानी कि फीस का भी आपका कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोग, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आप लोग ज़रूर भरें। चलिए, जो ट्रेड है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला ट्रेड है आपका कुक का, दूसरा ट्रेड है आपका MTS का, MTS मैसेंजर का, तीसरा है आपका MTS दफ्तरी का, ठीक है, और फोर्थ है आपका ट्रेड वॉशरमैन का, और फिफ्थ है आपका ट्रेड मजदूर का, और सिक्स्थ है आपका ट्रेड MTS गार्डनर का। तो आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, आपको कुक के लिए 10th पास होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको इंडियन फूड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस होना नहायत ज़रूरी है। ठीक है, अगर बात करें दूसरे ट्रेड की, तो दूसरा ट्रेड है हमारा वॉशरमैन का, और वॉशरमैन के लिए आपको 10th पास चाहिए, साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने ट्रेड का, यानी कि वॉशरमैन का। तीसरा है आपका MTS गार्डनर का, उनको भी 10th पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उनको गार्डनिंग का, कि माली का जो काम होता है उनको आना चाहिए। और चौथा है आपका जो MTS आपका दफ्तरी का है, तो फाइल्स के उसके लिए कोई खास ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, नॉर्मली आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, अगर हम कुक की बात करें तो उनका जो ये पे स्केल है ये सेम यही है। बाकी अगर MTS गार्डनर इनकी बात करें तो इनका पे स्केल थोड़ा सा मामूली सा कम है, इनका जो बेसिक पे है वो कुक वालों से कम है, लेकिन ये भी तकरीबन 27,000 प्लस में ही सैलरी में जाते हैं। ठीक है, अब इनकी जो ऑनलाइन जो डेट है भरने की, वो डेट है आपकी 18 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर, तो 18 सितंबर से लेकिन 9 अक्टूबर तक के है। जो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और जो भी इंडियन आर्मी में आने से ट्रीटमेंट से वंचित हो गए हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जरूर भरें। फीस लग नहीं रही है तो वैकेंसी भले ही कम हो, ये ना सोचे कि वैकेंसी कम है, लेकिन फॉर्म जरूर भरें यार, मैं चाहता हूँ कि आप लोग फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसका जो रिटर्न एग्जाम होगा, देखिए इनका रिटर्न एग्जाम, इसमें क्या होगा, रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट, कोई फिजिकल नहीं है। स्किल टेस्ट भी बताऊंगा आपको, रिटर्न टेस्ट भी बताऊंगा। रिटर्न टेस्ट होगा आपका गार्ड रेजिमेंट सेंटर कामटी, यानी कि महाराष्ट्र में नागपुर के पास में गार्ड रेजिमेंटल सेंटर है, हमारी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स उसका सेंटर है, वहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद अगर आपके जो स्किल टेस्ट होगा, जहाँ की आपका कुक का और वॉशरमैन का होगा, ये होगा आपका आर्टिलरी सेंटर नासिक। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा आपका स्किल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट होगा नागपुर कामटी के पास में, और स्किल टेस्ट होगा आपका आर्टिलरी सेंटर नासिक पे। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जरूर भरें।
और अगर एग्ज़ाम की बात करूँ रिटन एग्ज़ाम की, तो आपके जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, के क्या आएंगे आपके, जीके के आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, मैथ के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। तो टोटल जो क्वेश्चन है आपके वो आएंगे 150 का, और जो आपका टाइम रहेगा वो रहेगा 2 घंटे का, यानी कि 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर, 2 घंटे का टाइम, और नेगेटिव मार्किंग भी है नहीं। तो ये वैकेंसी है, और इसके बारे में आप पूरा हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप जाएं, वहाँ पर अपने ट्रेड का पूरी सब जानकारी दे रखी है आपको, मैं लिंक पे भी दे दूंगा, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरें, कैसे क्या करना है, आपको उसमें पूरी जानकारी दे रखी है, आप लोग वहाँ विजिट करके भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।